हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सवेरे के 8 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। जस्ट अभी हाल कुछ देर पहले ही एक मैसेज मेरे पास आया और आई लिटरली गॉट इमोशनल। सडनली मुझे मेरे मन में जो थॉट आया, बस मैं वो सीधे आपके सामने परोस रही हूँ इस वीडियो के शेप में। आई जस्ट वॉन्ट टू रिलीज माई सेल्फ, एक्सप्रेस माई फीलिंग, माई लव फॉर होम, ऑफ कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड गॉड एंड मदर अर्थ। दोस्तों आपको पता है या शायद आपको नहीं पता होगा, आपने सेक्सुअल अर्ज के बारे में सुना है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड रोमांटिक अर्ज? डेफिनेटली टर्म शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, बट ट्रू ट्विन फ्लेम्स ये जरूर फील करते हैं। जब भी आपकी यूनियन होने को होती है, उसके पहले आपके हार्ट सेंटर में एक ऐसी अर्ज सी, एक बहुत ही रोमांस वाली एक अर्ज फील होती है, जैसे कि वो अभी आपके सामने नहीं है, आपके पास नहीं है, बट ऐसे एज इफ कि वी आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, वी आर डूइंग रोमांस, वी आर इन लव, वी आर डूइंग लव विद ईच अदर, एंड यू नो दैट जो साथ में मिलने के बाद जो फीलिंग होती है ना, एक बहुत ही बबली सी फीलिंग, बहुत ही जूसी सी फीलिंग। एक्चुअली में बिना आपके ट्विन पार्टनर के भी उसकी जो एनर्जेटिक प्रेजेंस होती है, उससे वो लव फील होता है। होपफुली आप में से जिसने अगर ये एक्सपीरियंस किया है, आप मुझसे रेजोनेट कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आई लव टू सी एंड लव टू रीड दैट फीलिंग, क्योंकि लव के लिए सबसे बड़ी फीलिंग मेरे लिए वही है विद योर ट्विन काउंटर पार्ट। मेरे लिए ये नहीं है कि आप मैसेजिंग कर रहे हो एंड इंटीमेसी, मेरे लिए फीलिंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। चलिए, ये आपके यूनियन होने के पहले की फीलिंग होती है, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे आपसे ये शेयर करने का मन था। सेकेंडली, बहुत पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि जब आपका ट्विन ना आ रहा हो तो एक इंटेंशन दो कि हमारा यूनियन करा दीजिए भगवान जी, हम लोग मदर अर्थ को सर्व करेंगे, राइट। इस इंटेंशन को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप जब भी ये इंटेंशन दो, बी ऑथेंटिक विद योर इंटेंशन। ये नहीं कि अभी हम दे देते हैं, जब वो आ जाएगा फिर हम डिवाइन साइड में, मदर अर्थ साइड में, स्पिरिचुअलिटी साइड में, और हम लगे हैं रोमांस में, उसने मिलने को बुलाया है, वो इंटीमेसी चाहता है, ये सब सो लो प्रोफाइल थॉट्स, ठीक है। फॉर मी इट्स सो लो प्रोफाइल थॉट्स, उसने मिलने बुलाया है, हम इंटीमेट होके आ गए, कोई बड़ा तीर मार के नहीं आ गए, आप इंटीमेट होके आ गए तो लिटरली मदर अर्थ के लिए क्या किया आपने, राइट। तो आप जो ये देख रहे हो, बहुत देर से ये कैप्शन में चल रही है ये पिक जब मेरे सामने ये डीएफ नेहा ने मुझे जब भेजा, आई गॉट इमोशनल। लिटरली मैं आप लोगों से आज ये उम्मीद करती हूँ कि आप जेन्युइनली फील करो आग बन करके कि आपकी मदर अर्थ तड़प रही है, आपकी मदर अर्थ रो रही है। जिस प्रकार से, जैसे समझ लीजिए आपकी छाती पे कोई अटैक कर, कोई आपके संग रेप कर रहा हो, जस्ट विजुलाइज फॉर अ सेकेंड ओनली, वरना लो वाइब्रेशन एनर्जी आ जाएगी, कि आपकी छाती पे कोई रेप कर रहा हो और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। लिटरली लाइक दिस ओनली मदर अर्थ के ऊपर कितना रेप हो रहा है, कितनी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, धोखेबाजी, लड़ाइयाँ, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, वॉर्स, ऐसी गैसेस जो हमारी अर्थ को सर्व नहीं करती है। ऐसा फील करने के बाद सोचना कि जो हम इंटेंशन देंगे वो ऑथेंटिकली जेन्युइनली दिल से देंगे, कि आप दिल से चाहते हो कि जब हमारा ट्विन लौट के आए तो हम अपनी लव की एनर्जी से अपने कलेक्टिव की, अपनी मदर अर्थ की वाइब्रेशन रेज करें। बस यही मेरा वीडियो है। जैसे कि डीएफ ने लिखा है कि मैंने देखा कि आप लोग कंटिन्यूसली डीप साधना में हैं। लिटरली इस वक्त हमारी, हम दोनों की एनर्जी यही है। मैं कभी कभी रोती हूँ, मेरे अंदर से वो आंसू निकलते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये तो मेरे आंसू नहीं है, पर ये आंसू मदर अर्थ के होते हैं, ठीक है।
दोस्तों मैं आप सब से एक प्लेज चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में, इफ़ यू आर रियल ट्विन फ्लेम, जिसने नहीं लिखा होगा, जो इसको शर्म आ रही होगी लिखने में कि हम कैसे लिखें, अच्छा नहीं लगता, कोई हमारा कमेंट पढ़ लेगा, या आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, कोई शर्म की बात नहीं है। मंदिर में घंटी बजाना कोई शर्म की बात नहीं है, और एक अच्छी प्लेज को नीचे लिखना कोई शर्म की बात नहीं है। आई इनवाइट द साइलेंट सब्सक्राइबर्स जो कभी नहीं लिखते हैं, आज अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं तो नीचे एक प्लेज कीजिए और एक इंटेंशन भेजिए। जैसे कि जब भी आप प्रेयर करते हो तो उसके बाद डेली बोलो कि हे प्रभु, मेरी मदर अर्थ के चारों तरफ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखिए, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरी इस मदर अर्थ के ऊपर इस प्लैनेट पे है, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को मेरे इस प्लैनेट से दूर करिए। ये जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, इसको आप सब लोग नीचे टाइप करिए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हे प्रभु, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, मेरे मदर अर्थ के चारों तरफ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए, और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को मेरी मदर अर्थ से दूर कीजिए। एंड आई एम टेकिंग प्लेज कि जब मेरा ट्विन फ्लेम से यूनियन होगा, मैं भर भर के अपने ट्विन फ्लेम से प्यार करूँगी, सिर्फ इस उद्देश्य से कि मेरी मदर अर्थ को नरिशमेंट मिल रहा है, मेरी मदर अर्थ लव की एनर्जी से वाइब्रेट कर रही है। बस आज के दिन मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और यस, एक लाइन ज़रूर मैं भूल गई हूँ जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने लिखा है दैट यू आंसर इन डीप साधना, कम्प्लीटली इमर्स इन डिवाइन, टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीथिंग। इस लाइन ने मुझे बहुत इमोशनल किया था, इसके कारण से मैं ये वीडियो बना रही थी। सो आई मस्ट टेल यू क्यों मुझे इमोशनल किया था, ये आपको भी जानना चाहिए। आप जब आप मुसीबत में होते हो तो आप किससे हेल्प लेते हो? अपने रिश्तेदारों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, और जब कोई मदद नहीं करता है तो कौन काम आता है? आप सब जानते हो भगवान काम आता है। बट मैं ये इसलिए इमोशनल नहीं हो रही हूँ, बल्कि ये सोचिए इस वक्त इस जर्नी पे जब आपकी आत्मा हाथ में आ जाती है, तो इस वक्त महसूस कीजिए जब आपकी ग्रोथ हो रही है, जब आप फिर से बैक टू आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, जैसे आपका नुकसान हुआ था सेपरेशन टाइम में, आप परेशान थे, तो इस वक्त इन करंट रियलिटी हमारे रिलेटिव्स कौन हैं, महसूस कीजिए मेरे साथ, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे आर्कएंजल्स, हमारा यूनिवर्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारी एंटायर स्पिरिचुअल टीम, आज हमारी मदर अर्थ, आज ये सब हमारे साथ हैं। कहने को हम बिल्कुल अकेले हैं, हम किसी से कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, बट हमारी ग्रोथ कौन कर रहा है? ये सारी जो ऐसी शक्तियाँ जो दिखती नहीं है ना, एक्चुअली में ये हमारे रिलेटिव्स हैं, ये हमारे सगे हैं, ये हमारे अपने हैं। तो इसलिए हम अगर आइसोलेट भी हैं तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अब हम ब्लेस्ड हैं। हम एक्चुअली में इस 3D प्लैनेट में एक्चुअली में 5D प्लैनेट को एंजॉय कर रहे हैं। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।